50 बार तो हो गया होगा, ऐसे मोटे मोटे भाई बहनों को 500 बार करना है। कितनी बार? बोले बाबा जी इतनी मेहनत कराओगे, तुमने 20-25 साल मेहनत करके बढ़ाया है, कोई एक दिन में वजन थोड़ी ना बढ़ जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कितने तुमने पराठे खाए होंगे, कितने गोलगप्पे रसगुल्ले लड्डू जलेबी खाए होंगे, गोल गोल घुमाओ। वजन बढ़ाने में 10-20 साल लग जाते हैं, तो घटाने में थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। लंबे लंबे श्वास, आगे पीछे पूरा, बारह के बारह अभ्यास बता दे रहे हैं अभी। योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, और फिर एक है योगा फॉर ऑल इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको बहुत अर्थराइटिस है, शरीर की कंडीशंस काफी खराब हैं, ज्यादा आसन नहीं कर पाते हैं, तो सूक्ष्म व्यायाम कर लें 100-100 बार, हाथों को पैरों को ऐसे 100-100, 200-200 बार ऐसे करें। तो चार विकल्प हैं हमारे पास में योगिक प्रैक्टिस के, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, फिर ये योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, फिर योग इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। इसमें से किसी भी एक विकल्प का अच्छे से चयन करके उसको एक अनुष्ठान की तरह करना। जीवन केवल जड़ता नहीं है, आगे पीछे पूरा जाना, लंबे लंबे श्वास, आगे झुक करके माथा कोशिश करो घुटनों से लगाना, जिससे जितना बन पाए। देखो ये स्थित कोण आसन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन। देखो जब एक अभ्यास निरंतरता पूर्वक किया जाता है ना, अब उल्टे लेट जाओ, 5-10 राउंड करने अपने रोग के अनुसार, अब जिनको भयंकर कमर में दर्द है वे 10 मिनट यदि मकर आसन, 10 मिनट भुजंगासन, 10 मिनट सलभासन, और इतनी खराब कंडीशन है कि ज्यादा आसन हो ही नहीं पा रहे, तो 10 मिनट ऐसे ही ऐसे कर लिया, ऐसे पूरे एकाग्र चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के एक अनुष्ठान की तरह। जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मेरे ऊपर भी सैकड़ों जिम्मेदारियां हैं, एग्रीकल्चर से लेकर के, हम चाहते हैं इस देश में विश्व मुक्त कृषि हो, इसलिए हजारों एकड़ जमीन पर हम विश्व मुक्त कुदरती ऑर्गेनिक खेती करवा रहे हैं, और हमारा लक्ष्य है, अभी जागरूकता भारत में आई है, चाहे इसमें 25-50 साल लगेंगे, ये भारत के खेत खलियान जहरों से मुक्त होंगे तभी लोग पूर्ण स्वस्थ होंगे। लेकिन हर एक की इंडस्ट्री है, ये यूरिया डीएपी वालों की अलग इंडस्ट्री है, जहरीले खाद बनाने वालों की अलग इंडस्ट्री है, जहरीली दवा बनाने वालों की अलग इंडस्ट्री है, जहरीले कॉस्मेटिक बनाने वालों की अलग इंडस्ट्री है, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, चारों तरफ प्रकृति में इन्होंने जहर घोल दिया, बस चंद पैसों के लालच में अपने क्रूर पाशों से
ऐसे अत्याचार किए हैं कि चारों तरफ मानवता लहूलुहान है, लेकिन ये लोग अपने कॉरपोरेट हितों को साधने के लिए, थोड़ा मैं कठोर बोल देता हूँ, ये कॉरपोरेट माफिया हैं एक तरह के। क्या हैं? कॉरपोरेट माफिया। माफिया हर जगह हैं, रिलीजन में भी माफिया हैं, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर भी बहुत से माफिया हैं, जो पूर्व जन्म पुनर्जन्म मोक्ष के नाम पर, स्वर्ग जन्नत हेवन के नाम पर लोगों को हैवानियत करवाते बहकाते रहते हैं। पॉलिटिकल माफिया हैं, सोशल माफिया हैं, हेल्थ एजुकेशन में भी माफिया है, धर्म से लेकर के बाबाओं से लेकर के चारों तरफ ये बुरा हाल है। तो मैं कह रहा था लंबे लंबे श्वास मेरे ऊपर, एग्रीकल्चर के, कृषि के क्षेत्र में, हेल्थ एजुकेशन और रिसर्च, शिक्षा स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारी जिम्मेदारियां। ये योगग्राम निरामयम, ये तो पतंजलि की सेवाओं का एक छोटा सा हिस्सा है, ऐसे मेरी सेवाओं के सैकड़ों पक्ष हैं। और मेरी सेवा का क्षेत्र है, सेवा के अलग अलग पहलू एस्पेक्ट्स, और उसका क्षेत्र है लंबे लंबे श्वास, भुजंगासन ऐसे ऐसे करो, ऐसे और ये ऐसे, दोनों हथौड़ी के नीचे रखे, आराम आराम से तेजी से करते रहो। मेरी सेवा का क्षेत्र है ये पूरी धरती माता, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्वी, कोई कास्ट, कोई कंट्री, कोई पॉलिटिकल, कोई उसके अंदर रिलीजियस, कोई बाउंड्री नहीं, कोई दीवार नहीं। लोग हैं ना समझ, लोग हैं बोले इतनी हाय तोबा क्यों, सारी धरती का ठेका ले रखा है। मैंने कहा ले रखा है सारी धरती को, हमने ये संकल्प लिया हुआ है कि इस भारत भूमि सहित इस पूरी धरती माता को, इस पूरे विश्व को हम रोग मुक्त देखना चाहते हैं, रोग मुक्त, योग युक्त, आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व, ये सपना है हमारा और ये साकार होगा, चाहे इसमें 10, 20, 25, 50 साल कितना ही वक्त लगे। एक छोटे से कोरोना ने पूरी दुनिया को डरा दिया, पूरी दुनिया दबी सहमी बैठी हुई है कि होगा क्या। लंबे लंबे श्वास, ऐसे ऊपर नीचे, जिनको ज्यादा भार है तो नाभि से लेकर के ठोड़ी तक डबल चिन तक तैयार हो जाती है, उसके लिए 50-100 बार ये करना, धीरे धीरे समय बढ़ेगा, अब सर्वासन करना इतना ही। तुम जैसे चाहो वैसे अपने जीवन को आकार प्रकार दे सकते हो, और माना कि तुम स्वयं में 99% स्वाधीन हो। कुछ चीजें हैं जीवन में जहां परस्परता में कार्य चलता है, इसलिए थोड़ी पराधीनता तो हर जगह रहेगी, पराधीनता से भी बड़ी बात है वहां परस्परता रहेगी, लेकिन जहां व्यक्ति को लगता है कि ये समाज कैसे बदलेगा, ये दुनिया जो भ्रम में है, बहकावे में है, कैसे बदलेगी, तो मैं एक बात बार बार कहता हूं, द बेसिक नेचर ऑफ ऑल सोल्स, सभी आत्माओं का मूल स्वभाव क्या है, सभी आत्माओं का मूल स्वभाव, सभी स्वास्थ्य चाहते हैं, द बेसिक डिजायर, बेसिक एम्बिशन ऑफ ऑल सोल्स, सभी आत्माओं का मूल स्वभाव, मूल प्रकृति, सभी आत्माओं की मूल मांग, सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, समृद्ध होकर के जीना चाहते हैं, खुशहाली के साथ जीवन को जीना चाहते हैं, प्रसन्नता के साथ, सबको हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, वेलनेस चाहिए सबको। और अभी जिस कि मैंने उद्घोषणा की है, ये शब्द चाहे
एक है लेकिन इसका विस्तार बहुत बड़ा है, पतंजलि वेलनेस। योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, आध्यात्मिक जीवन शैली से सारी दुनिया को जोड़ना और उनको बताना सब समाधान तुम्हारे भीतर है। और कुछ लोग स्वार्थ के कारण से, आग्रहों के कारण से, दुराग्रहों, कुंठाओं के कारण से, गलत फहमियों के कारण से, चाहे देर में समझे लेकिन देर सवेर सबको समझ में आने वाली है ये बात। ये सब सलवासन एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे चल सीधे लेट जा। लंबे लंबे श्वास, अनवरत चलती रहे साधना। अखंड साधना। तुम कह रहा था बहुत बड़ा सपना हमारा और साकार होगा ये, लेकिन ये सारे काम करते हुए जब मैं सुबह सुबह योगाभ्यास करता कराता हूं उस समय योग में पूरा खो जाता हूं आत्मनिष्ठ होकर के, एक निष्ठ होके, योग निष्ठ होके, गुरु निष्ठ होके, ब्रह्मनिष्ठ होकर के। लंबे लंबे श्वासों के साथ आनंद कीजिए, बहुत सुहानी सुबह। संगीत की जरूरत ही नहीं है, हवाओं का ही संगीत बहुत सुहाना है। लंबे लंबे श्वास एक एक पैर से या दोनों पैरों से, अखंड साधना, प्रचंड साधना, सामान्य मध्यम या तीव्र गति से अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और एक करते करते थक गए तो दूसरे में लग गए, ऐसे 5-10 राउंड कर। मैं तो कहता हूं आपका 50-100 किलो भी वजन बढ़ा हुआ है, हर दिन तुम एवरेज 1 किलो कम कर सकते हो। पहले 1.5-2 किलो भी कम हो जाता है कुछ दिनों तक, फिर जैसे जैसे 5-10 किलो कम करना होता है ना मूल, वहां आकर के बहुत जोर पड़ता है। फिर उस समय उपवास करना पड़ता है, कल्प करना पड़ता है, लौकिक कल्प कराते ना, लंबा लंबा श्वास, लौकिक कल्प और संकल्प के साथ अखंड प्रचंड साधना। लंबे लंबे श्वास करते रहो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। प्रकृति के ये नजारे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर तक बड़े बड़े पैसे खर्च करते हैं। अभी तो टूरिज्म के नाम पर सब कुछ बंद है, नहीं तो कुछ तो दुनिया, आधी दुनिया तो गांव की भाषा में बोलो तो हांडती रहती है। मैंने पूछा भाई ये क्या कर रहे हैं, बोले ये हंडोरे हैं, कोई जंगलों में घूम रहा है, कोई पहाड़ों पर घूम रहा है। लंबे लंबे श्वास, ये योगा ग्राम निरामयम आपका स्पिरिचुअल टूरिज्म भी हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो, स्पिरिचुअल टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, नैसर्गिक आपका तीर्थ हो रहा है, निसर्ग तीर्थ है। और सारे तीर्थ तो तुम्हारे भीतर हैं। लंबे लंबे श्वास, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे करते रहो। मेरा भी पसीना 10 सेकंड में ही सूख गया सारा। हाँ अभी बरसात आने की संभावना नहीं है अभी। और मैं सुबह दौड़ रहा था तो मैं देख रहा था ये जो ऊपर चिड़िया आनंद कर रही है ना, तो बताओ मेरे से ज्यादा तेजी से चिड़िया दौड़ रही थी। मैंने कहा देखो आदमी अपने आप को शक्तिशाली समझता है, ये चिड़िया ही हमसे तेज निकली। माना कि प्रकृति ने, परमेश्वर ने तुम्हें अनंत ज्ञान शक्ति संवेदना सामर्थ्य के साथ युक्त किया है, लेकिन उसको जान कितना पाए। लंबे लंबे श्वास,
तुम हजारों लाखों करोड़ों कोरोनाओं से ज्यादा शक्तिशाली हो। गोल गोल घुमाओ, अर्धलासन पाद वृत्तासन द्विचक्रिकासन। बात बनी, 12 अभ्यास हो गए। प्रणाम। चलो बैठ जाओ। ये तो एक तरह का अभ्यास हुआ भाई, थोड़ा सा अभी तो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर राम चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, सभी महापुरुषों की, हर हर महादेव। तो देखो गोल गोल घुमा वैसे, लंबे लंबे श्वास, जिनसे कुछ ना बन पाए वो सूक्ष्म व्यायाम कर लेना। ये सूक्ष्म व्यायाम भी 20-25 तरह का है। ये तो बटरफ्लाई और स्कंध संचालन, पाद संचालन और स्कंध संचालन तो थोड़ा आपको बीच बीच में करवा ही देते हैं, बाकी हाथों के पैरों के एक एक जॉइंट से लेकर के थोड़े थोड़े अभ्यास भी ऐसे कर लें तो आनंद हो जाएगा पूरा। तो अब जिनको रोमेटाइड अर्थराइटिस था, आज मैं अर्थराइटिस के ऊपर थोड़ी सी बात करता हूँ। एक एक बीमारी से 5-10% आबादी से लेकर के, और किसी किसी बीमारी की चपेट में तो 90-99% आबादी है। कितनी? 90-99% तक। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, सब बोलते हैं। आयुर्वेद में भी कहा कि प्रज्ञा अपराध सब रोगों का मूल कारण है। अब बताओ कौन सा आदमी है जिसको तनाव नहीं है? अब तनाव का कारण क्या है? तनाव झाड़ू लगाने वालों को भी है, और तनाव जो है देश चलाने वालों को भी है, और 2-4 घर में चुन्नू मुन्नू हैं उनके लिए भी घर में तनाव रखा है, यह घर कैसे चलेगा? और देखो तुम्हारे सामने एक हिंदुस्तान का फकीर बैठा है जो चिंता करता है सारी दुनिया की, लेकिन चिंता से मुक्त है। सारी दुनिया को मैं स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान परम वैभवशाली देखना चाहता हूं, और उसके लिए परम पुरुषार्थ करता हूं, प्रचंड पुरुषार्थ करता हूं, लेकिन तनाव में नहीं रहता। तनाव किस बात का भाई? सारा ध्यान देने वाला, सारी प्रेरणा देने वाला, गोल गोल घुमाओ ऐसे, सारा ध्यान, सारी प्रेरणा, सारी शक्ति सामर्थ्य देने वाला भगवान, जीवन उसने दिया, ये जगत उसने रचाया, हम अपना काम किए जाए, चिंता किस बात की? जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। हम योग धर्म से अपने स्वधर्म को, अपने परिवार धर्म को, अपने समाज राष्ट्र धर्म को, मानव धर्म को, अपने अध्यात्म धर्म को, अपने संन्यास धर्म को, अपने सेवा धर्म को, अपने साधना धर्म को निभाए, और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूहु मा ते संगो अस्व कर्मणि, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविच्छेच्छतं समाः, एवं त्वयि नान्यथे तोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे स्वेन कृतुना संवदेत। कर्म करो अपना। तो सुनो, एक एक बीमारी से लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग पीड़ित हैं। अलग अलग समस्याएं हो सकती, लेकिन समाधान एक है। मैं आपको 100 कारण बता सकता हूं बीमारियों के, जो भी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज। अब सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया हैं, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के वायरस हैं, और ये 2-3 के तो नाम सुन ले, कम से कम हेल्थ के बारे में थोड़ा तो इस कोरोना में इतना तो पता लगा कि ये हेल्थ बहुत बड़ी चीज है। क्या है? देखो अब सारी दुनिया कह रही है कि
ब्लैक फंगस, येलो फंगस, अभी तो सफेद, नीली, धोली, काली, पीली, दो दो चार का पता लगा है। गांव में जब कोई आदमी ऐसे ही थोड़ा ऊट पटांग सा काम करे तो क्या बोलते थे, ये आ गई फफूंद। बोले फफूंद आ गई, और ये फफूंद लगती कहाँ है, सड़ी हुई चीज में, सड़ी हुई लकड़ी में। आदमी आदमी को भी जब प्राण निकल जाए तब क्या क्या होता है, उसमें अलग अलग बैक्टीरिया, अलग अलग वायरस और फफूंद लग जाती है उसमें। चेक कर लो किसी भी मुर्दे को, ये तो नॉन बात है, कोई बहुत गहरी रहस्य की बात नहीं है। तो लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। अब थोड़ा सा इसको बड़े अर्थ में बोलता हूं, अब ये विदेशी लोगों को तो थोड़ा बहुत हमने ही तो सिखाया। जब 20 साल पहले मैंने घोषणा की थी कि योग से कैंसर अच्छा होता है, तब हिंदुस्तान में तो मेरा मजाक उड़ाया गया। जॉन हॉपकिंस एक हॉस्पिटल है बहुत बड़ा दुनिया, वो भी अमेरिका का, उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया। एक दूसरा भी है ह्यूस्टन में, एमडी एंडरसन, उन्होंने मुझे बुलाया भी वहां पर, मेरे 3 बार लेक्चर हुए वहां। ये तो उस समय की सरकार थोड़ी सी ज्यादा ही हमारे विरोध पर उतारू हो गई, और फिर उसको भगवान ने ऐसा कर दिया उसकी पता नहीं जड़ें खोखली हो गई, सामने खोल लो। तो 3 बार बुलाया मुझे एमडी एंडरसन के, चेयरमैन के साथ मेरे लेक्चर हुए वहां पर। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप करते क्या हो, मैंने कहा हम श्वास भरवाते हैं, फूक मरवाते हैं, और उसमें रोग को फूक देते हैं। बोले हैं, व्हाट इज दिस, मैंने कहा दिस इज ऑल द अल्टीमेट साइंस, ब्रेथ इज द नैनो मेडिकेशन, प्राण सबसे बड़ी औषधि है। बोलिए कैसे काम करती है, मैंने कहा तुम ऐसा करो कैंसर सेल्स ले लो, हर बीमारी के बीज होते हैं, जैसे हर चीज के सीड होते हैं ना, ऐसे हर बीमारी के बीज को टिश्यू बोलते हैं। कैंसर के टिश्यू ले लो, कैंसर के सेल ले लो, और उनके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा इंजेक्ट कर दो, खूब ज्यादा ऑक्सीजन डाल दो। ज्यादा ऑक्सीजन डाली और वो सारे जो भी कैंसर से पीड़ित सेल थे वहां के, वो जो है कैंसर की एक्टिविटी वहां पर खत्म होगी। कैंसर एक्टिविटी क्या है, इंडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड इंडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स। ये गोल गोल घुमाओ, वो सारा का सारा खत्म हो गया चक्र। तो जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल ने 2005 में फिर ये रिसर्च करनी शुरू कर दी। 2007 में उन्होंने एक फाउंडिंग दी, कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन अन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट। अब ये तो आप नेट के ऊपर सर्च कर लेना कि ऑक्सीजन कम मिलने से सब रोग पैदा होते हैं, इसके ऊपर नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, इसका हकदार तो स्वामी रामदेव है। दे दिया किसी को, कोई बात नहीं। अब बताओ ऑक्सीजन हम भरवाएं और पुरस्कार और ले जाए, ले जाओ, तुमको पुरस्कारों में प्रसन्नता है, हमको तो इतना सत्कार करता है ये देश और दुनिया, हमको पुरस्कारों की दरकार ही नहीं है। खैर, तो खैर मैं आपको बता रहा था, सब बीमारियों का मूल कारण है लेस ऑक्सीजन सप्लाई नहीं, योग ना करना। क्या बोला, बोलो, योग ना करना सब बीमारियों का मूल कारण है। अब बताओ इन बावड़ों को, इन पढ़े लिखे बेवकूफों को कौन समझाए, सारे लग, और हम भी चलो भाई इन डॉक्टरों का, साइंटिस्टों का, ये जो कॉरपोरेट माफिया, ड्रग माफिया और तमाम तरह का मेडिकल माफिया है, उनके तो अपने निहित स्वार्थ होंगे, तुम बावड़ो अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो, योग कर लो। हाँ इतना फायदा है योग में, हाँ इतना ही फायदा है, इसलिए आपको कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम कर लो, सूक्ष्म व्यायाम कर लो। और बाकी 4-5 तरह के हम व्यायाम के अभ्यास क्रम बताते हैं, उसको कर लो। और अब यही अभ्यास क्रम पहले अभी स्पाइनल कोड के लिए मैं 10 सेकेंड से शुरू करने के लिए बोलता हूँ, और कितनी देर तक करने के लिए बोलता हूँ एक अभ्यास को, 10 मिनट तक। अब ये 5 बातें सुन लो, मात्र 5 बातें याद रहेंगी। एक अभ्यास कितनी देर करना है, 10 सेकेंड से शुरू करके
10 मिनट तक, कितनी बड़ी समस्या हो। अलग अलग थेरेपियों का फिर अलग टाइम है, जैसे अक्षय तर्पण का, सिरोधारा का, बस्ती का, उनका आधा घंटे तक का समय हो जाता है, किसी किसी का एक घंटे का। 10 मिनट से लेकर के एक घंटा एक एक थेरेपी का टाइम है, और ये पूरी तरह से विशुद्ध रूप से नैसर्गिक प्रक्रिया है। कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन, कोई इसमें किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव होने की कोई संभावना नहीं। चलो अब पांच बातें क्या हैं। चलो तो थोड़ा हवा का झोंका आया था, भगवान जी ने सोचा कि ये जो तपस्या कर रहे हैं इनको ज़्यादा विघ्न डालना ठीक नहीं है। तो चलो अब सूक्ष्म व्यायाम तो अभी बता ही दिए थे आपको, अब ऐसे कर लेना, जिनसे ऐसे ना हो पाए वो आधा ही कर लेना, और जिनसे ऐसे भी ना हो पाए वो ऐसे कर लेना, और जिनसे ऐसे भी ना हो पाए वो ऐसे ही पैर खोल करके ऐसे ही उठा लेना। रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेंथन करना है, जितना हो पाए उतना कर लेना, इसको मैं कहता हूं यथाशक्ति कर लेना। दस सेकंड से शुरू करके 10 मिनट तक। फिर अगली बात, आसन को प्राणायाम के साथ, अब ये क्रम है, सीक्वेंस, प्राणायाम को ध्यान के साथ करना है, और ध्यान के भी तीन चरण है। आत्म प्रतिष्ठा, आत्मनिष्ठता, एकाग्र, दस सेकंड से शुरू होगा, धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा, उल्टे लेट जाए। अब ये पूरा अभ्यास क्रम बता रहा हूं, उल्टे लेट जाओ। 50% दुनिया की आबादी सर्वाइकल स्पोनाइटिस, पेन स्लिप रिज की शटिका, लुम्बर स्पोनाइटिस, एंक्लोजिंग स्पोनाइटिस, किसी ने किसी प्रकार से मेरुदंड के रोगों से पीड़ित है। कल एक भाई आया, बोले स्वामी जी मेरे को तो 20 साल से दर्द था, गया के बिहार के थे, अब तो दिल्ली में रह रहे हैं। बाबा जी 3 दिन में मेरा दर्द कैसे गायब होगा, मैं सोच रहा हूँ ये दर्द गया कहाँ, किधर हो हमारे गया वाले जिनका दर्द गया, पूरा कुणबा आया हुआ था। और उसका कल मैंने जब इंडिया टीवी का योग करा रहा था, बोले स्वामी जी हमारा तो कमर दर्द गायब हो गया। कितने दिन में? 3 दिन में। कितने दिनों से था? 15-20 साल से था। क्या किया? मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, बस्ती क्रिया करवा देते हैं, फिर कटी बस्ती दे देते हैं, बस्ती और कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, एक्यूप्रेशर। सामान्य रूप से जो एनिमा देते हैं उसके बहुत थोड़े से लाभ है, मेडिकेटेड एनिमा देते हैं आपको यहां। सामान्य रूप से सामान्य एनिमा से बस्ती से कम चल जाता है, लेकिन जो मेडिकेटेड एनिमा देते हैं ना, हम यहाँ 20-25 तरह का एनिमा देते हैं, कायाकल्प से एनिमा देते हैं, सर्वकल्प से एनिमा देते हैं, तक्र से, छात से एनिमा देते हैं, दूध से एनिमा देते हैं, दशमूल से एनिमा देते हैं, इम्यूनोग्रिड से एनिमा देते हैं, जिनको मस्तिष्क रोग हैं मेधाक्वाथ से सिरोधारा कराते हैं, मेधाक्वाथ से ही एनिमा देते हैं, मेधाक्वाथ उसी का ही पाउडर बना करके उसी से उद्वर्तन, उसी से ही तेल बना करके उसी से अभ्यंग, उसी का ही स्टीम। अब देखो जिस चीज को खिलाते हैं पिलाते हैं पानी बना करके, और दिन भर पानी पिला देते हैं, दिन भर मेधाक्वाथ का पानी पिला देते, दिन भर सर्वकल्प का, दिन भर कायाकल्प का, दिन भर गिलोय का, दिन भर पित्तहर पानी,
जीरा धनिया सौंफ मुलाठी गुलाब फूल का पानी, दिन भर जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन, जीरा धनिया सौंफ मेथी अजवाइन का पानी दिन भर पिला देते हैं, दिन भर दिव्य पे पिला देते कफ कोल्ड होने पर। वाटर थेरेपी, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड। और लोगों को ऐसा लगता है कि इस बीमारी का तो कोई इलाज निकल। एक बहन आई पूजा, बोले स्वामी जी मेरे तो पूरे खानदान को चमड़ी का रोग था और पूरे शरीर से पस निकलता था। आपने बताया था सुबह उठ करके गोधन अर्क पियो, नीम की गोली खा लो, नीम के पत्ते खा लो। मैंने पिया। किधर है ये पूजा? इसको माइक देना। खाली गोधन अर्क। अब कुछ बेवकूफ लोग बोले बाबा जी लोगों को गाय का मूत पिलाता है, ऐसे ऐसे बकवास करके मेरे ऊपर कम से कम 10,000 से ज्यादा वीडियो बना रखे होंगे मेरा विरोध करने वाले लोगों ने। कितने? 10,000 से ज्यादा, पूरा का पूरा एक गैंग है। और उसमें मुसलमान लोगों को बहका दे रहे हैं। मैंने कहा भाई तुमको अरब में ऊंटनी का ऊंट का मूत पिलाते हैं, उससे तो बढ़िया है ये मेडिकेटेड है पूरा। कब 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 किन 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 को था बेटा तुम्हारे परिवार में ये? स्वामी जी मुझे मेरे ननिहाल से आया था, वहाँ पे मेरे मामा जी, मम्मी, मेरी भतीजी को हो गया और भी बहुत सारे लोगों को था। पूरे मातृ या पितृ पक्ष से जो जेनेटिक डिजीज आती है तो सबको क्या होता था? करो भुजंगासन करो, तुम तो बहुत ज्यादा स्किन में प्रॉब्लम थी, इचिंग होती है, किसी को पस निकलता है, किसी को चमड़ी झड़ती है, मुझे भी यही सब था। लेकिन मैंने गोधन अर्क का सुबह सेवन किया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई। कितने दिन लिया बेटा? मैंने कंटिन्यूटी से 5-6 महीने 5-6 महीने लिया गोधन अर्क, एक दिन भी नहीं छोड़ा स्वामी जी, एक दिन भी नहीं छोड़ा। और प्राणायाम योग अभ्यास करते? प्राणायाम योग अभ्यास किया। और नीम के पत्ते भी लिए थे या नीम की गोली? नीम के पत्ते नहीं लिए स्वामी, खाली गोधन अर्क। गोधन अर्क। और कितना लेती थी? 2 ढक्कन, मात्र 2 ढक्कन लेती थी। और गोधन अर्क लेने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी नहीं, सुबह सुबह खाली पेट ले लेती थी। अब 2-3 महीने लगे पूरे परिवार। इसके भी क्या हाल थी तेरे? स्वामी जी मेरे हाथों से पस निकलता था, मैं पूरी रात नहीं सो पाती थी इचिंग के मारे। अब इतनी खराब हालत थी। अब लोग जो है, अब बताओ, बोले बाबा जो है वो गाय मूत्र जो एक पवित्र औषधि है उसके ऊपर भी लोग कितनी बकवास करते हैं, लेकिन ये औषधि है। और ये पूजा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन स्वामी जी मैंने कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली, कभी भी नहीं ली, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं लूंगी नहीं। मैंने ये निर्णय लिया है अपने आप से। क्यों क्यों नहीं लेगी? उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, स्टेरॉइड्स दिया जाता है, उससे हमारा शरीर खराब होता है। तुझे क्या पता? पता है स्वामी जी, आप सारा दिन बताते हो और देखते भी हम अपने आस पास की। स्टीराइड का अब देखो रोज कोई ना कोई नई खबर आ रही है, स्टीराइड से ये बखेड़ा हो गया, एंटीबायोटिक से ये बखेड़ा हो गया। और उसके बावजूद एक बहुत बड़ी जमात है मूर्खों की, पढ़े लिखे बेवकूफों की, लिटरेट इडियट्स की, कि वो ही खाए पिए जा रहे हैं लंबे लंबे श्वास। अब बोली ये पूजा तो कहते मैं कभी नहीं खाऊंगी स्टीराइड, नहीं खाऊंगी। और अपने परिवार को? बिल्कुल नहीं खिलाऊंगी स्वामी जी, मैं अपने घर में भी देसी दवाइयों का ही यूज करती हूँ। बिल्कुल बुखार हो जाए तो? बुखार हो जाए तो क्या देती है? किलोए वटी, महासुदर्शन वटी। अरे इसको तो सब पता है, वो सब देती हूँ। महालक्ष्मी विलास आप बताते हो। और यदि दस्त हो जाए तो क्या देगी? मैं जीरा और सौंफ भून के पीस के वो दे देती हूँ, उससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हेलो। और किसी को सिर दर्द हो जाए तो क्या करेगी? मेधावटी दे देती हूँ, नाक में बादाम रोगन डाल देती हूँ। ये तो पूरी वैद्य हो रखी है। अब बताओ इन्हीं चीजों के लिए, अब टाइफाइड के लिए भी मैंने पूरे देश को बता दिया, खूब कला मुनक्का और अंजीर, इसको बताया, आगे आगे चल रही है तो पूरी ट्रेंड हो गई है। बताओ मैंने ऐसे एक बार जोरदार ताली बजा दे तो जोरदार बेटी है भाई, मुझे तो इतना तो इसका भी नहीं पता था, पूरी ट्रेंड हो रखी है। कितने सालों से मुझे सुनती है? हो गए स्वामी जी 8-10 साल हो गए आपको फॉलो करते करते। अब 8-10 सालों से सुनते सुनते सारे हिंदुस्तान को मैंने आरोग्य साधक बना दिया कि आप नहीं साधना करो। चलो ये तो पूजा की बात थी। एक गीता आई, गीता किधर है?
बोले स्वामी जी 20 साल से किधर है गीता, 20 साल से आगे, हाँ आगे आ जा थोड़ी सी, 20 साल से कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी, स्टीरॉयड ले रही थी ये जो अभी बता रही थी ना पूजा, स्टीरॉयड ले ले करके उसका बुरा हाल हो गया और एकदम ठाड़ी तगड़ी बहुत होनहार बेटी, उसका हाल ये हो गया कि स्टीरॉयड ले ले करके पहले कोलाइटिस फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, खून भी आए पस भी आए और बुरा हाल हो रखा। चलो भुजंगासन के बाद शलभासन करो फिर धनुरासन करो। कितनी बार जाती थी बेटा टॉयलेट? ओम स्वामी जी, ओम नमस्ते जी, मैं 15 से 17 बार जाती थी, 15-17 कभी तो कल बता रही थी 20 बार भी हो जाता था कभी। हाँ जी हाँ जी, खूब 20 बार भी हो जाता था आराम से, अब हर बार काउंट तो नहीं पर इतना आराम से था, 17 से 20 बार जाती थी। और दवाई क्या दी थी फिर डॉक्टरों ने? डॉक्टरों ने स्टेरॉइड खिलाए थे, ये कितने एमजी तक? 40 mg, अभी तो 100 mg ले रही थी यहाँ आने से। 100 mg? हाँ जी हे राम। 50 सुबह 50 शाम ले रही थी। 100 mg स्टीराइड का मतलब होता है थोड़े दिन लगातार खाती तो अंधी हो जाती। हाँ, और अभी मेरे मतलब मैंने यूट्यूब पे देखा, सर्च किया सारा आपके, तो मैंने यहाँ आने से 10 दिन पहले सारी दवाइयाँ स्टार्ट कर दी थी। अब स्टीराइड बंद कर रखे हैं? जी मैंने अब ये गंगाधर चून और बिलवादी चून, शंख कपर्दक, कहरवा पिस्टी, ये सब स्टार्ट कर दिया था आने से 10 दिन पहले। और जब तक मैं आई, और खाने के लिए क्या बंद करते हैं हम, किन्ने क्या बताया हुआ है? मिल्क प्रोडक्ट सब बंद कर देते हैं, दूध घी और मीठा, मीठा और वो तो सब तली हुई चीज, तली हुई चीज। और खाने में क्या बताते हैं? अनार, अनार और अपना बॉइल एप्पल, दही, बनाना, ये सब खाना है। तो सब इसने अपना जान लिया, बॉइल घिया, उबली हुई घिया, तोरी, ये सब भी खाना है। अब क्या हाल है तेरा? अब तो स्वामी जी मैं फिट होके जा रही हूँ। कितने दिन हुए? मतलब मोशन बंद है मेरे, 7 दिन हो जाएंगे। कितनी बार जाती है अब टॉयलेट? 2 बार जाती हूँ बस, सुबह और शाम, मात्र 2 बार जाती है। अब इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए? जो 100 स्टीरॉयड ले रही थी, 100 mg स्टीरॉयड मतलब ये हाईएस्ट डोज होती है, इसके बाद में तो आदमी मर ही सकता है। और स्वामी जी मुझे दही मट्ठा मतलब मुझे अमृत के समान लगता था और 12 साल से छुआ नहीं था, और अब आप मुझे आधा किलो दही रोज खिला रहे हैं। अब देखो कहाँ से हो बेटा? मैं यूपी बागपत से हूँ। बागपत से है जी। अब ये बिटिया बुरी कितने साल से था ये अल्सरेटिव कोलाइटिस? 12 साल से था स्वामी। 12 साल की बीमारी, और यहाँ कितने दिन हुए हैं? 7 दिन बस। 7 दिन बस, 4 दिन में ही मुझे ब्लड बंद हो गया था बिल्कुल, 4 दिन में ब्लड बंद हो गया। अब देखो कुछ कहेंगे जी हम सबको एक ऐसे ही 100% ऐसे सबको लाभ होता है, 100% सबको एक जैसा लाभ नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहली है दृढ़ इच्छा शक्ति, मन का गहरा संकल्प, जिसको मैं बोल रहा था गुरु और भगवान की शरणागति, के भगवान का नाम सबसे बड़ी औषध है। और वो सारे केमिकल्स, हार्मोन्स और स्टीरॉयड जो हम बाहर से लेते हैं सब अंदर हैं हमारी बॉडी में, वो नेचुरल हैं, उनको उभारो। इसने उभार लिया और अब एकदम खुश होकर के जा रही है। कल मिली थी मुझे इंडिया टीवी के प्रोग्राम में, तब इसने बताया। अब ये तो सबका तो मैं सुन भी नहीं पाता, यहाँ लगभग 1000 लोग रहते हैं, सबसे की तो अनुभूति ले भी नहीं पाते हम। लेकिन अब ये पूर्ण स्वस्थ होकर के 7 दिनों में प्रस्थान कर लिया। चलो बेटा, और एलोपैथ कभी खाऊंगी भी नहीं स्वामी जी, अब चाहे बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, पेट दर्द हो, कुछ भी हो। अब इन छोटी छोटी चीजों के लिए एलोपैथी में दौड़ते हैं। और देखो अब सबको पता है सर्दी जुकाम बुखार खांसी की दवा खाओ तो क्या परिणाम होता है बोलो? इनसे क्या होता है? डायबिटीज, और छोटे बच्चे खा ले तो Type 1 डायबिटीज, और आंखों पर नुकसान, किडनी पर नुकसान, हड्डियों का नुकसान, फिर भी खाए जा रहे। मतलब सबको नॉन है ये बातें, तो मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया में इन स्टीराइड पर और तमाम तरह के इन जहरीली चीजों पर बैन लगना चाहिए, बैन प्रतिबंध लगना चाहिए। ये तो पूरी मानवता के लिए इतना बड़ा खतरा है। और मैं नहीं कह रहा, अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट कह रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ा अत्याचार है, क्रूरता है मानवता के साथ। मैंने एक बुक दिखाई, सबकी बोलती बंद होगी, मैंने कहा डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन स्वामी रामदेव ने नहीं रख रखी,
तुम्हारे ही कुंबे के व्यक्ति ने लिख रखी है। जित WHO की ये फाइंडिंग है, जितने लोगों की मौत दवा न मिलने के कारण से होती है उससे ज्यादा लोगों की मौत दवा खाने से होती है। तो फिर ये कौन सी दवाई है भाई? इसलिए मैंने कहा या तो ये WHO सुधर जाएगा, नहीं तो नया WHO स्वामी रामदेव बनाएगा। ये क्या मतलब हुआ भाई? तो ये अब WHO की फाइंडिंग है। अभी हम कमर के लिए आसन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 90% लोगों को कमर दर्द के लिए ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, और जिसको भी कमर में दर्द हो और हॉस्पिटल में चला जाए पकड़ के तुरंत काटेंगे। क्यों? 2.5-5 लाख रुपए बन जाते हैं। कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट आ गया भाई हॉस्पिटल में। ये दवाई वाला मामला नहीं रहा, अब ये धंधा हो गया है। और फिर भी लोग जो है बावड़ों की तरह, अरे अब जिंदगी तो तुम्हारी है ना। हमारे गुड़गांव वाले यादव साहब बता रहे थे, बोले भाई तुम्हारे अच्छा इंश्योरेंस करा रखा, इंश्योरेंस से पैसे मिलेंगे? अरे पैसे तो इंश्योरेंस से मिल जाएंगे, शरीर तो तुम्हारा कटेगा, रीढ़ की हड्डी तो तुम्हारी कटेगी, लीवर किडनी हार्ट क्या क्या बदलोगे तुम। तो सुनो, पहले तो अभी मैं 10-10 सेकंड वाला बता रहा हूँ, फिर अब 10-10 मिनट वाला शुरू करूँगा। ये तो जिनको कमर में दर्द है वो मरकट आसन ऐसे करते रहना, आराम आराम से 10-20 सेकंड एक स्थिति में, फिर धीरे धीरे करके 5 मिनट तक तुम बने रह सकते हो। एक एक मिनट करके 10 मिनट में 10 बार में ये हो जाएगा। और रीढ़ की हड्डी कितना ही भयंकर रोग हो, मैं कह रहा था योगासन प्राणायाम ध्यान पूरा तो तरीके से करना, इसके साथ छोटे छोटे उपाय हैं खान पान के, पथ्यापथ्य के, उनका ध्यान रखना, छोटी छोटी थेरेपियां करा देते हैं। घुटने में दर्द है तो जानो बस्ती, कमर में दर्द है तो कटी बस्ती, और गुदा बस्ती तो सबको कराते हैं। उत्तर बस्ती, गुदा बस्ती, फिर जानो बस्ती, गटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, ये अलग अलग प्रकार से बस्ती करवाते हैं, अलग अलग प्रकार के लेप करवाते हैं, अलग अलग आपको वाटर थेरापी से लेकर के मड थेरापी से लेकर के स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन नस्य रक्त मोक्षण से लेकर के अक्षित अर्पण सिरोधारा से लेकर के अर्ध पवन मुक्तासन। मैं थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ, 10-20-30 सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे 1 मिनट तक जाना, और एक एक मिनट करके इसको 10 बार कर लेना। तो 10 मिनट में आज ही 10 साल का 20 साल का कमर में दर्द मैंने यहाँ पर 2-3 दिन में लोगों का अच्छा किया है। छोटे छोटे उपाय है, और परेशान है दुनिया। रीढ़ की हड्डी के 33 के 33 मण के तुम 7 दिन में 99% लोग अच्छे कर सकते हो। मैं कह रहा था अलग अलग बीमारियों से, देश और दुनिया की थायराइड से लेकर के BP शुगर से लेकर के कमर दर्द से लेकर के ओबेसिटी से लेकर के किसी बीमारी से 10-20%, किसी बीमारी से आधी आबादी, और स्ट्रेस जैसी बीमारियों से तो 99% दुनिया की आबादी पीड़ित है। लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तन ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, विचार भाव संवेदना ठीक नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है जी, हेल्थ नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, पीस नहीं है लाइफ में, हार्मनी नहीं है। अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्थानासन, आराम आराम से करना, योग से सब कुछ मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं सुबह सुबह योग और दिन भर कर्मयोग, ये छोटे छोटे तत्व है, अपनी छोटी छोटी आदतों को संभाल लो। 2 सबसे बड़े खतरनाक कारण है जिनसे रोग होते हैं, एक रसना और एक वासना। रसना और वासना के चक्कर में पड़ा हुआ है संसार। दोनों पैरों से मत उठाना जिनको कमर में दर्द है। एक पाद उत्तानासन, अर्ध पवन मुक्तासन, सेतु बंधासन, कटियुत्तानासन आदि, ये तो अभ्यास करना कमर दर्द वाले। और अभी बता रहा हूं डायबिटीज के लिए,
डायबिटीज से लेकर के, पेट से लेकर के, लिवर किडनी से लेकर के, ये 15 अभ्यास हैं। लेट करके, अभी लेटे लेटे करवा देते हैं, चलो बैठ करके शुरू करते हैं, मंडूकासन से लेकर के और हलासन तक। अभी पहले लेट के करा देते हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादंगुष्ठ नासास प्रशासन, सर्वांगासन और हलासन, ये 7 अभ्यास तो लेट करके करना है। अब कपाल भाती के साथ करो और ध्यान के साथ करो। मेरा पेनक्रियाज, मेरा लीवर किडनी एक्टिवेट हो रहा है, मेरा यूट्रस ठीक हो रहा है, मेरे प्रोस्टेट ठीक हो रहे हैं। संकल्प के साथ करो, संकल्प साधना, संकल्प समाधि। केवल प्रार्थना से भी रोग मिटते हैं। अलग अलग मेडिटेशन की प्रक्रियाएं लोगों ने विकसित की है, किसी ने उसको नाम विपश्यना दिया है, किसी ने नाम उसको प्रेक्षा ध्यान दिया, किसी ने ध्यान योग, किसी ने कुंडलिनी योग, किसी ने प्रतिप्रसव योग। चाहे अलग अलग नाम, योग सूत्रों में भी सविचार समाधि, निर्विकल्प समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, संकल्प समाधि, जन्मौषध मंत्र तपह समाधि जाह सिद्ध, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवाह कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वचित शक्ति, प्रतिप्रसव गुणातीत भावातीत ध्यान, पवन मुक्तासन। एक एक अभ्यास कितनी कितनी देर करना है, एक एक दो दो मिनट से करके 10 मिनट तक करना है। और इसको मैं योग की त्रिवेणी कहता हूँ, योगासन, प्राणायाम और ध्यान के साथ। ध्यान के 3 चरण कहता हूं। पहला ध्यान का चरण स्वरूप में प्रतिष्ठा, दूसरा ध्यान का चरण सब नाम रूपों में भगवत तत्व की अनुभूति, और नाम रूपों के पार भी परात पर ब्रह्म तत्व के साथ एकात्मता, तन्मयता, तद्रूपता, एक रूपता, पूरी तरह से भगवान की शरणागति में जब आप ऐसे करते हैं कि प्रभु ये जीवन तुमने दिया है। चलो एक भजन सुनाते हैं, संभालोगे तुम, आशा हमें है, विश्वास है प्रभु, हर दुख से, हर दर्द से, हर पीड़ा से आप ही निकालो। करो पवन मुक्तासन करो, और करते करते जब 10 मिनट हो जाएंगे तब तक तुम्हारा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो चुका होगा, डायबिटीज खत्म हो चुकी होगी, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, एक एक क्षण में रूपांतरण होना शुरू हो जाता है। और एक सप्ताह से लेकर के, एक सप्ताह में फैटी लीवर और एक माह में हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस खत्म। बोले ये तो कभी सुना ही नहीं था, तो किसी ने किया कब था 10-10 मिनट ये मंडूकासन? करो सब 10 मिनट मंडूकासन, 10 मिनट फिर उत्तान पादासन, नौकासन, 10-10 मिनट फिर सेतु बंधासन, पादंगुष्ठासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन। अभी मैं पहले 2-2 मिनट कर रहा हूं, इसकी 5 राउंड करने आपको, चलो और देखो फिर क्या होता है। मैं कहता हूं योग बोलता है, जीवन बोलता है, सत्य स्वयं अभिव्यक्त होता है। करो है, सम
एक आसन एक एक दो दो मिनट कंटिन्यू करना है। अब बोले स्वामी जी सामर्थ्य नहीं एक मिनट करने का, कर ले मेरे भाई, कौन सा मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, कर थोड़ा सहारा दे, हाथ का सहारा दे, उभार अपने आप को, उभार उठा अपने आप। बचा लोगे तुम आशा हमें है विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुम्हें दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुम्हें दिया है संभालोगे तुम। अब एक बार में 100 बार कपाल भाते हो जाता है, 200 बार 500 बार तक भी लगातार था, 1000 बार एक आसन में कपाल भाती होगा। चलो लोक आसन करो, दोनों तरफ से उठाओ, कोशिश तो करो। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, किया है ना तुमने भी, जब थक जाओ तो थोड़ा हाथ से सहारा दे दे, 2 मिनट तक करो फिर देखो। जो कहते हैं ना योग से क्या होता है, एक बार करके देख 10 मिनट मेरे साथ, फिर तू बोलेगा, तेरा घर परिवार बोलेगा, तेरा पूरा खानदान और सारा जहान बोलेगा, अरे योग से तो बहुत कुछ होता है, करना तो पड़ेगा। छाया कहीं तो कहीं धूप है, छाया कहीं तो कहीं धूप है, कई रूप है नाम कितने कई रूप है, हर शहर समाए हुए हम सब तुम्हारे बनाए हुए, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, विधाता संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, आशा हमें है विश्वास, मुश्किल से विधाता
जीवन तुमने दिया है संभालो के तुम, जीवन तुमने दिया है संभालो के तुम, हाँ संभालो के तुम, हाँ संभालो के तुम, हाँ संभालो के तुम। एक एक आसन एक एक दो दो मिनट करके 10 मिनट करना होता है ऐसे। अब किसी को, अब मेरे पास यहाँ बहुत केस आ चुके हैं, यूट्रस ओवरी का प्रोलैप्स का प्रॉब्लम था, एनस का प्रोलैप्स का प्रॉब्लम था। सेतुबंध आसन मूलबंध उड्यानबंध में करने के लिए कहता हूँ, और 40 साल की उम्र से लेकर के 70 साल की उम्र तक के भाई बहन माँ बहन बेटियों को मैंने ठीक किया है। छोटी छोटी क्रियाएं, पादांगुष्ट नासा स्पर्शासन सर्वांगासन हलासन, दो दो मिनट करो। इसलिए मैंने इसको नाम दिया है इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस, होलिस्टिक योगा प्रैक्टिस, सस्टेनेबल हेल्थ के लिए। करना तो पड़ता है, एक स्थिति में ठहरो तो सही। डीप ब्रीदिंग के साथ, भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम अभ्यंतर प्राणायाम के साथ, उज्जायी के साथ, जैसे जिसको अभीष्ट है। दस सेकंड से बात नहीं बनेगी, एक मिनट तक जाना, एक एक मिनट करके 10 मिनट तक करना। चलो उठाओ, जो कर सकते हैं सर्वांगासन करो। जिनको उच्च रक्तचाप हृदय रोग है, सर्वाइकल स्पोंडाइलाइटिस पेन है, जिनको निषेध किया वो मत करना, से सर्वांगासन करो, सर्वांगासन हलासन। भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम, और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उज्जायी के साथ। सर्वांगासन एक दो मिनट से शुरू करके 10 मिनट तक जाना है। अब हलासन में पीछे पैर टिका, एक मिनट से पहले कोई कंप्रोमाइज नहीं। बोले स्वामी जी होता ही नहीं, तो एक हमारे योगी हुए वो बांध जोड़ के ऐसे रस्से से बांध के लिटा दिया करते। हाँ, उनका नाम था अयंगर योगी, और जो कोई ना करे तो उसको लात मार के करवाते थे फिर। सर्वांगासन हलासन। कुछ तो उठाए हुए हैं टांग, कुछ तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। Thank you.